फ्राइडे और हर बार की तरह फिर से बॉलीवुड की एक फिल्म ने सिनेमाघरों में दी है दस्तक। जी हाँ, बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी की फिल्म व्हाई चीट इंडिया सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है और फिल्म के रिलीज होते ही दर्शकों की भीड़ लगनी भी शुरू हो गई है। फिल्म के डायरेक्टर हैं सौमिक सेन, तो वहीं श्रेया धन्वंतरी इस फिल्म के जरिए बॉलीवुड में कर रही हैं अपना डेब्यू। चलिए अब फिल्म के कॉन्सेप्ट को लेकर करते हैं बात। फिल्म का कॉन्सेप्ट जो आधारित है वो आधारित है एजुकेशन सिस्टम में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर। जी हाँ, करप्शन जो एजुकेशन सिस्टम में हो रहा है, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम को ख़राब कर रहा है, उस कॉन्सेप्ट पर बेस है ये फिल्म। इस फिल्म में इमरान हाशमी राकेश सिंह नाम का किरदार निभा रहे हैं, जो कि एक टीचर है और जो अमीर लोग होते हैं उनके बच्चों को पास कराने के लिए वो होशियार स्टूडेंट्स को अपने अपने एवज में लेता है, यानी कि होशियार स्टूडेंट्स को पढ़ाता है लिखाता है और उन अमीर स्टूडेंट्स को अमीर बच्चों के स्टूडेंट्स को पास कराने के लिए उन गरीब और होशियार बच्चों का कहीं ना कहीं मिसयूज़ करता है। उसी पर आधारित है ये फिल्म। तो चलिए फटाफट देखिए लोगों की राय, दर्शकों की राय, जिन्होंने आज फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा और उसके बाद अपनी राय मीडिया को बताई। लेकिन इन सभी रायों में आप एक दर्शक की राय जब सुनेंगे तो आपको कहीं ना कहीं फिल्म के बारे में अपना जो अगर आप देखने जा रहे हैं फिल्म को देखने का आपका प्लान है तो इस दर्शक की राय बहुत मायने रखती है। तो चलिए देर ना करते हुए सुनवाते हैं आपको ऑडियंस की राय जो कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखकर निकले हैं। ये बकवास फिल्म है। अच्छा, एक्टिंग वाइज इमरान कैसी लगी एक्टिंग आप? तो नया स्टूडेंट के लिए खराब ही है। नकल के बारे में बताया गया है, यूपी की स्टोरी है, क्या कहते हैं इसके बारे में, आपकी स्टोरी है? इसमें मैंने चीटिंग का प्रोसेस दिया गया है। तो कुछ मैसेज दे रही है लास्ट में? मैसेज खराब ही है पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए। सॉन्ग्स है? सॉन्ग्स बिल्कुल नहीं है। ऑटो पे कितना देना चाहेंगे आप? क्या पास में कितना देना चाहेंगे? पास में रहा है सर। क्या कहना चाहेंगे मूवी के बारे में? मूवी ठीक थी, थीम अच्छी थी, एग्जीक्यूट नहीं कर पाए मेरे हिसाब से। इमरान की एक्टिंग एज यूजुअल हमेशा अच्छी रहती है, ठीक रहती है। इतना लिपलॉक नहीं है, बस एक सीन है किस। हाँ, नया मैसेज है, नया थीम है कि कैसे एग्जाम्स में चोरी होती है और बच्चे जो हैं जो नहीं भी जो उस फील्ड में नहीं जाना चाहते हैं पेरेंट्स उसको प्रेशराइज करते हैं और वो नहीं होना चाहिए और उसके पीछे कितनी चीटिंग चलती है उसके बारे में। म्यूज़िक उतनी कुछ खास नहीं लगी मुझे, ठीक थी। आउट ऑफ 5 कितने स्टार्स हैं? 2.5 देना चाहूँगा। क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में, कैसे लगी फिल्म आपको? व्हाई चीट इंडिया, व्हाई चीट इंडिया जो नाम है, चीट इंडिया कैसे चीट करते हैं, परफेक्ट नाम रखा है मूवी का। जो डिजर्विंग स्टूडेंट है जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से अचीव नहीं कर पाते जो प्लेस को, इसीलिए चीट करते हैं, वो परफेक्टली दिखाया है। जो पैसे वाले हैं लेकिन डिजर्व नहीं करते हैं वो प्लेस, वो पैसे के दौरान वो खरीद लेते हैं। इन सब ये बोल सकते हैं कि चीटिंग को पॉजिटिव वे में दिखाया गया है कहीं ना कहीं? नहीं, पॉजिटिव दिखाया गया लेकिन इसका नेगेटिव इफेक्ट भी दिखाया गया मूवी में, क्या हो सकता है चीट करने के बाद, एक सच्चे रास्ते में जाना और चीट करके जाना, दोनों। एक पहले पॉजिटिव दिखाया गया, उसका नेगेटिव इफेक्टिव क्या है वो भी दिखाया गया अच्छी तरह। मैसेज दे रही फिल्म मतलब, और बांधे कितना बांधे रखी है फिल्म आपको? बहुत अच्छा, बहुत टर्निंग पॉइंट है बीच में मूवी का, मूवी देखने के पता चलेगा। तो बांध के रखने के लिए बहुत अच्छा टर्निंग पॉइंट दिया है मूवी को और इमरान हाशमी तो ठाक है, सुपर और सही से ग्रेट एक्टर एज वेल। तो एज ए चीटर वो तो मस्त लगते हैं, जन्नत और राजा नटवर लाल 5 साल बाद आए हैं वो, राजा नटवर 2014 में आया था, परफेक्ट शूट करता है ये कैरेक्टर उनका। कैसे लगे गाने आपको इस फिल्म के? मेरे रोमांटिक गाने दो हैं, एक शॉर्ट सॉन्ग है और एक डांस नंबर है, तो रोमांटिक गाने जो है बहुत अच्छा लगा। 4 out of 5 मैं अच्छे सवाल ही पूछूंगा, एक मैं जाना है, देख ले दो एक, सुनो दो सवाल। फिल्म ठीक थी, फिल्म इमरान हाशमी से एक्सपेक्ट नहीं किया था, मतलब बिग फैन हूं उनका, लेकिन फिल्म सही थी। इंटरव्यू के बाद का जो पार्ट है वहाँ से सस्पेंस और अच्छा चालू हो रहा है। ओवरऑल अगर बात करें कि ऑन लोकेशन सॉन्ग, जो कवाली सॉन्ग है जो इमरान हाशमी ने बताया वो खुद गा रहे, वो अच्छा लगा हम लोग को। और ओवरऑल स्टूडेंट कोटा के ऊपर बहुत बात हुई है। बादशाहों के बाद इमरान की पहली मूवी है, तो उसके
एक्टिंग तो इमरान हाशमी की बहुत ही सही थी, बट फिल्म में वो दम नहीं था। हाँ, स्क्रिप्ट ठीक ही थी, दम नहीं था, वो जो दम होना चाहिए वो नहीं था। मूवी ओवरऑल कितनी बात कर रही थी, कितनी बांध के रख रही थी? बांध के तो मैम रख ही नहीं रही थी, मतलब चल रही है वो बोल रहे ना, पकड़ के नहीं रख रही थी। आदमी का ध्यान इधर से उधर हो रहा था, मैसेज आ रहा है, मैसेज देखो। इंटरवल के बाद से जो पार्ट चालू हुआ वो सही लगा। थ्री तो बहुत मारेगा मेरे को ये भाई, ऑफिस जाने का। काफ़ी अच्छा था पिक्चर, मुझे पिक्चर बहुत अच्छा लगा, लेकिन स्टोरी इतनी खास नहीं है। इमरान हाशमी का काम अच्छा है, ट्रेलर के हिसाब से देखने आए थे, लेकिन उतना मज़ा नहीं। इतना कुछ खास नहीं ट्रेलर में, जो सत्येंद्र दुबे का जिन्होंने एक्टिंग किया, हमें लगा कि उसके ऊपर कुछ तो दिखाएगा। उनको नकली सर्टिफिकेट देके कतार भेज देते, लेकिन कुछ दिखाया नहीं। उन्होंने सुसाइड कर लिया कतार में गया नकली सर्टिफिकेट लेके, और इंडिया में उनको डिपोर्ट कर दिया गया बिना किसी लीगल इलीगल, कुछ नहीं हुआ उनके साथ। वो सब दिखाना चाहिए था, लेकिन पिक्चर में इतना दम नहीं। मतलब ये पैसा वसूल मूवी नहीं। लास्ट का 15 मिनट है, वो देख लिया तो देख लिया, बाकी घर पे चले जाने का। अगर बात करें गाने और डायरेक्शन की, हाँ, गाने एक ही अच्छे लगे, वो कव्वाली वाला जो इमरान हाशमी ने गाया था, वो भी मेरे को तो मैं तो फिर भी तुमको चाहूँगा, ये गाने का तो मिक्सिंग ही लगा, क्योंकि वो गाने का ही म्यूज़िक इसमें मेरे को सुनाई दे रहा था। मैं खुद वो गा रहा था वो छोड़ के, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा है इससे, लेकिन फिर भी ठीक है, छोड़ ही नहीं रहे ऑफिस जाने का मेरे को। बाकी पिक्चर अच्छा है, 2.5। ओके, थैंक यू। ये ओके, सबसे पहले जानना चाहूँगी कैसी लगी चीट इंडिया? मुझे बहुत अच्छी लगी, आई थिंक इट्स अ वेरी रियलिस्टिक मूवी और बहुत ही रिलेटेबल है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में जो भी नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, किस तरह से एजुकेशन सिस्टम इतना करप्ट बनता जा रहा है, और अनडिजर्विंग कैंडिडेट्स यू नो दे कम ऑन द मेरिट लिस्ट एंड दे ग्रैब द सीट्स, तो उसको उजागर किया गया है। तो आई थिंक इट इज़ वेरी थॉट प्रोवोकिंग, वेरी रियलिस्टिक एंड रिलेटेबल। डायरेक्शन अच्छा है सौमिक सेन का, मूवी का लेंथ पेस एडिटिंग से यू नो मूवी बांध के रखती, 2 घंटे की मूवी है तो कोई भी ऐसे स्ट्रेच नहीं किया गया, दैट्स द बेस्ट पार्ट। डायरेक्शन अच्छा है बाय सौमिक सेन एंड सॉन्ग्स आर गुड, दे आर क्वाइट अ फ्यू कंपोजर्स, सॉन्ग्स कंपोज बाय गुरु रंधावा आर वेरी गुड, एंड देयर इज वन सॉन्ग फिर मुलाकात, दैट इज ऑल्सो गुड सॉन्ग। ट्रेलर को देख के कितनी एक्सपेक्टेशन बढ़ी और कितनी लो हुई है, इज इट अ पैसा वसूल मूवी? डेफिनेटली ट्रेलर को देख के लगा था कि यू नो इट विल बी अ थॉट प्रोवोकिंग मूवी एंड इट टर्नड आउट टू बी वन, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये जो सब हो रहा है अभी तक जितनी भी फिल्म्स आई हैं उससे काफ़ी हटके है ये मूवी, तो यही आई थिंक विद वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी शुड वर्क। आज काफ़ी कम लोग आए थे, बट आई थिंक पीपल शुड गो आउट एंड वॉच दिस मूवी, बिकॉज बहुत ही डिफरेंट किरदार है, बहुत ही डिफरेंट सब्जेक्ट है, एंड यू विल बी एबल टू रिलेट टू इट। वन थिंग यू डिडंट लाइक अबाउट इट, I think जो एक्ट्रेस है श्री, आई थिंक नॉट मेनी पीपल नो हर, आई थिंक शी कैन इम्प्रोवाइज, शी इज़ गिवन अ डिसेंट परफॉर्मेंस, शी कुड बी बेटर, बट मेन प्रोटैगनिस्ट तो इमरान हाशमी है, हु हैज़ ब्रोकन हिज रोमांटिक इमेज एंड कम आउट इन अ डिफरेंट रोल, सो आई एम श्योर क्रिटिक्स आर गोइंग टू अप्रिशिएट दैट, सो ओवरऑल आई थिंक इट्स अ वन टाइम वॉच। लास्टली हाउ मेनी स्टार्स वुड यू लाइक टू गिव? 3 stars। थैंक यू। जो भी ले लो, जो भी ले लो, सारे एक साथ ले लो। अरे झाड़ियों में तो मत घुसाओ प्लीज। द मूवी वॉज अमेजिंग, द मूवी द टॉपिक दैट दे आर फोकस ऑन वॉज प्रिटी रिलेटेबल, बिकॉज एजुकेशन इज द टॉपिक, लाइक एजुकेशन इज द फेज विच वी ऑल गो थ्रू, एंड द मूवी हैज फोकस्ड ऑन द मैल प्रैक्टिस ऑफ द education system and the loopholes of the education society of India. So what makes you watch this movie after watching the trailer? How convincing it was? The trailer was pretty convincing, and as I'm a Imran Hashmi fan, so it was a visual treat to watch him after a so long period of time on big screen. So one thing you didn't like about the movie? I don't like the beginning because it was kind of slow. How about the songs, directions and everything? The direction was good, the background score was good, the song which I liked the most was Fir Mulaqat, and the star cast was also good. You have Imran Hashmi, you have Shreya who's debuting the movie, you have Snigdh who's playing the kid who writes the exam, you have Asia's top model Elena Fernandez who's playing Bhabi to Imran Hashmi, you have Manoj Sharma who's last seen in Inside Edge and who's playing the sidekick of Imran Hashmi, so yeah. And talking about the direction was pretty good, but like the portrayal, the director, the message which
he wanted to give to the society, I guess he has given it a pretty well. Is it a paisa vasool movie, and how many stars would you like to give? Being a teenager and being having said that, I have finished my education recently, so I feel that it's a paisa vasool film for me because I've been through that phase. And out of 5 stars, I would like to rate it 4.5. It's a good movie. Yeah. Every movie focuses on a different genre. Every movie have a different star cast. Every director. I love this genre of Imran Hashmi. तो जानिए आपने ऑडियंस की राय कि आखिर दर्शक क्या सोचते हैं इस फिल्म के बारे में और एक्टर इमरान हाशमी के बारे में. तो चलिए अब ऑडियंस ने तो अपनी राय दे दी है और इसके ज़रिए आप अपना भी माइंडसेट कर लीजिए कि आखिर क्या करना है, आपको फिल्म देखनी है या फिर फिल्म नहीं देखनी है. लेकिन हाँ, फिल्म का कॉन्सेप्ट एजुकेशन सिस्टम में खामियों को लेकर है, तो अगर आप फिल्म देखने का प्लान कर रहे हैं तो एक बार ज़रूर ये फिल्म देखें. अगर आप एजुकेशन सिस्टम में खामियों को जानना चाहते हैं कि किस तरह से हमारी शैक्षिक प्रणाली में सेंध लग रही है, तो फिर ये था आज का मूवी रिव्यू. अगले हफ्ते फिर से फ्राइडे के दिन हम लेकर आएंगे नेक्स्ट मूवी रिव्यू. नमस्कार.